तो लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में सारा खेल कुछ मुद्दों के इर्द गिर्द ही बुना जाता है। विपक्षी इंडिया गठबंधन जहां सरकार की खामियां गिनाकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने की तैयारी में है, तो वहीं एनडीए मोदी की गारंटी वाली तस्वीर लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रहा है। आजकल देश और दुनिया में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। 2024 का सियासी शंखनाद। किसे मिलेगी शिकस्त? कौन होगा आबाद? विपक्ष के मुद्दों का शोर या फिर चलेगा मोदी की गारंटी का जोर? 2024 के सियासी समर की तस्वीरों में अब और भी रंग भरने वाले हैं। चुनाव प्रचार को रफ्तार मिलने वाली है, मुद्दों को और धार दी जाने वाली है, क्योंकि 2019 के मुकाबले इस बार चुनाव की तस्वीर बहुत अलग है। इंडिया गठबंधन मोदी की अगुवाई वाले एनडीए के सामने है। यही वजह है कि पीएम मोदी नए एजेंडे और नई कूटनीति से विपक्ष को घेर रहे हैं। आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या मैं हूं अंबानी मोदी के परिवार। पीएम मोदी के लिए हर चुनाव नया होता है, हर चुनाव सबक होता है, इसीलिए हर बार विपक्ष पर हमले के लिए वो कोई नया तीर निकाल लेते हैं जो विपक्ष के मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। जिनके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था तो मोदी ने कह दिया था बैंकों से भी और रेडी पटरी वाले भाई बहन को भी, अगर आपके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो चिंता मत कर दीजिए, मोदी आपकी गारंटी लेता है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी भी कम नहीं आंकी जा सकती। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी यानी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लगातार मोदी सरकार को घेरते रहे हैं। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। इसके अलावा भी विपक्ष एनडीए को अलग अलग मुद्दों पर घेरता रहा है, जिनमें बेरोजगारी, महंगाई, किसान आंदोलन, जातिगत जनगणना, ईडी का छापा और हाल ही में आया इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे का मुद्दा बड़ा हो गया है। इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बढ़ती हुई अमीर और गरीब के बीच में खाई, ये सारी बातों पर आज ये चुनाव लड़ा जाएगा। मोदी मुद्दा नहीं है। लेकिन विपक्ष के हमलों का सामना करने के लिए एनडीए के पास इस बार राम मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, परिवारवाद बनाम मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी और विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून, काले धन पर नियंत्रण,
और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसे दुरूप के पत्ते हैं। यानी सियासी मुद्दों की ये जंग अब और भी रोचक होने वाली है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हमारे सहयोगी अरुण सिंह ने बातचीत की पवन खेड़ा से, क्या कह रहे हैं वो तारीखों को लेकर सुनिए जरा। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई, हमारे साथ पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा जी, बीजेपी ने नारा तय कर दिया आपकी बार 400 पार, नियत तय कर दी सरकार बनाना है, नेता तय कर दिया नरेंद्र मोदी उनके नेता है, आप इन तीन पैरामीटर से कहां हैं? नारा, नियत और नेता तीनों उनके अपने लिए हैं। हमारे न्याय और हमारी गारंटी, जो तमाम घोषणाएं हैं वो सब लोगों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, आदिवासियों के लिए हैं, श्रमिकों के लिए हैं। हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं, भाजपा सिर्फ अपनी बात कर रही है, ये अंतर है हमारे में और उनमें। एक सवाल छोटा सा है कि एक टारगेट तो सब सेट करते हैं ना जब एग्जाम में जाते हैं कि कितने नंबर हमको चाहिए, कितने नंबर हम लेंगे, कितनी तैयारी है, उन्होंने टारगेट सेट कर दिया, आप तो 143 सीटें आपके लिए बची हैं। ये टारगेट उनको उन्होंने क्यों सेट किया? क्योंकि रात को नींद नहीं आती। अब वो टारगेट सेट करके खुश हो जाते हैं, चलो 400 पार, चलो थोड़ा सा एक दो घंटे सो लेते हैं, और नींद क्यों नहीं आती? काम नहीं किया, जनता के सामने जाएंगे कैसे, कहीं कोई नौजवान सवाल पूछ ले क्या जवाब देंगे, इसलिए नींद नहीं आती। हमें नींद अच्छी आती है, हम दिन भर प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को सोते हैं। हमारा टारगेट है इस बार सरकार बनाना है, बनाएंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ईवीएम को लेकर के आप लोग लगातार मुखर रहे हैं और दिग्विजय सिंह वगैरह तो तमाम इस तरह शिकायतें कर रहे हैं और मिलने का समय तक नहीं मिला। अब बैलेट पेपर का तो कोई मतलब नहीं, ये चुनाव घोषित हो गया और मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ शायरी भी सुना दी आप लोगों को ईवीएम पर। सबको शायर बना दिया मोदी जी ने। अरे मुख्य चुनाव आयुक्त से हम 10 महीने से समय मांग रहे हैं कि वीवीपैट पे चर्चा करने के लिए बुला लीजिए, नहीं कर रहे, पूछिए ना क्यों नहीं कर रहे, किसका दबाव है? ये थे पवन खेड़ा जो कह रहे थे कि उन्होंने टारगेट तय किया है सरकार बनाना। कैमरामैन नकुल के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में एनडीए सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली है। ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ में हैं। सर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है? हम निर्वाचन आयोग को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और चुनाव का स्वागत करते हैं। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, मैंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, बहुत बेहतर ढंग से पूरा एक घंटे के लगभग मुख्य निर्वाचन आयुक्त महोदय ने देश की जनता को संबोधित किया है, मतदाताओं से अपील की है कि सभी लोग अपने घरों से निकल करके मतदान करें, 100% मतदान करें, छुट्टियां न मनाएं, पिकनिक पर न जाएं, और हम भी प्रदेश के मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया ये लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों और सब लोग घरों से निकल कर मतदान करें। उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से जन जन में पैठ बनाई है। इन कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक इन वर्षों में माननीय मोदी जी अभिभावक के रूप में हैं और सब लोगों का मानना है कि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है, हम 80 कैसी सीटें जीतने जा रहे हैं। सर, जिस तरीके से पश्चिम यूपी में पहले चरण में होगा, वहां पर वोटिंग होगी, किस तरीके से देखते हैं पश्चिम में क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, पूरे इंटायर स्टेट में हमारी तैयारी है, पश्चिम में चूंकि प्रथम चरण में चुनाव है तो वहां हम पहले चुनाव लड़ेंगे, पूरी तैयारी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, ये विपक्ष जो है वो ईवीएम की बात करता है कि फिर इस तरह की विपक्ष पूरी तरह से डिरेल्ड है, वो चुनाव जीतते हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, हारते हैं तो ईवीएम पर खींच उतारते हैं। चुनाव आयोग ने जिस ढंग से तिथियों की घोषणा की है, हम सभी लोग उसका स्वागत करते हैं।